छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कांग्रेस आज नहीं कर पाई। हालांकि आज दिन में विधायक दल की बैठक हुई थी। इस बारे में रायपुर से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश बादल। राजेश, ये बताइए कि ताजा जानकारी क्या है आपके पास? अभी 4-5 मिनट पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सारे छत्तीसगढ़ के विधायकों से मिलने और उनकी पसंद जानने का सिलसिला खत्म किया है, पूरा किया है, और इस दौरान उनकी पसंद जानी गई और एक तरह से उनके कन्वे मैसेज कर दिया गया है कि हाईकमान अजीत जोगी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। धन्यवाद राजेश। ये थे रायपुर से हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर दिन भर नाटकीय घटनाएं होती रहीं। दरअसल आज के अखबारों में अजीत जोगी के नाम को सोनिया गांधी की हरी झंडी मिली खबर से यहाँ के विधायक हैरान थे। पहले कहा गया था कि विधायक ही नेता का चुनाव करेंगे। जोगी को नेता बनाने से खफा विधायकों ने आज एक नया मामला उछाला। उन्होंने कहा कि जोगी फर्जी आदिवासी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जोगी साहब अगर गलत साबित हुए, मैं तो नहीं जानता कि जो आ रहे हैं जो विवरण, अगर गलत साबित होंगे तो वो कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े कर देगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम ने कहा कि 60 विधायक पहले ही शपथ पत्र देकर इस मामले की जांच की मांग कर चुके हैं। इन विधायकों में 14 मंत्री थे। नेताम की अगुवाई में रात भर और आज दिन भर आदिवासी विधायकों की बैठकों का दौर चलता रहा। उधर जोगी के पक्ष में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी आज खुलकर सामने आ गए। दूसरी ओर जोगी के विरोध में डटे विद्याचरण शुक्ल ने कहा कि दिल्ली ने किसी का नाम तय नहीं किया है। विधायक दल को अपनी राय देना चाहिए, उस राय को फिर हाईकमांड पर ले जाया जाएगा, फिर हाईकमांड अंतिम निर्णय हाईकमांड को ही करना है। दोनों प्रतिद्वंदी अजीत जोगी और विद्याचरण शुक्ल आज दिन भर कमरों में बंद रहे। हालांकि शाम को जोगी शुक्ला से मिलने गए लेकिन शुक्ला ने उन्हें कोई भरोसा नहीं दिया। इस बीच गुलाम नबी आजाद और प्रभारी महासचिव प्रभा राव को इस मुद्दे पर सफाई भी देनी पड़ी। देर शाम करीब करीब ये तय हो गया कि नेता का चुनाव कल मतदान के बाद ही होगा। राजेश बादल, रायपुर, आज तक।